देखिए, काफी गंभीर आरोप लगे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। उन्होंने ये कहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कि महुआ मोइत्रा ने संसद में लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली है। ये काफी गंभीर आरोप है जो कि निशिकांत दुबे ने लगाया है और ये लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें यह कहा गया कि कारोबारी है दर्शन हीरा नंदानी, उनसे रिश्वत लेकर महुआ मोइत्रा ने ये सवाल पूछे हैं और ये वो सवाल हैं जो कि हीरा नंदानी के कारोबारी हित में उनको फायदा पहुंचाते हैं, उसके लिए ये सवाल पूछे गए हैं। और हीरा नंदानी ने के जो प्रतियोगी हैं अदानी ग्रुप, उसके खिलाफ भी महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे हैं, ये आरोप लगाया गया है। उन्होंने पूरी फेरिस्त दी है कि 2019 से लेकर 2023 के बीच 61 सवाल पूछे गए महुआ मोइत्रा की ओर से और इसमें 50 सवाल जो थे लोकसभा में वो हीरा नंदानी के लिए थे और कैश के बदले सवाल विशेषाधिकार हनन है, ये निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखा है। और जो आप इस तरह से अगर सवाल पूछते हैं तो ये सदन की अवमानना भी होती है और आईपीसी के 120A के तहत ये अपराध भी है, ये बात भी निशिकांत दुबे ने कही है। और उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए, ये लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने अपील की है और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है जांच कमेटी की, महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया जाए लोकसभा से, ये भी उन्होंने मांग की है। और ये जो पूरी शिकायत है निशिकांत दुबे की, एक वकील हैं जय अनंत देहाद्री, उनकी चिट्ठी के आधार पर निशिकांत दुबे ने ये शिकायत की है। और क्या क्या आरोप हैं एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। वकील अनंत देहाद्री ने जो चिट्ठी लिखी निशिकांत दुबे को, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। इसमें यह कहा गया कि 2021 में दर्शन हीरानंदानी ने महुआ को 2 करोड़ रुपए दिए थे और क्यों दिए थे, इंटरनेशनल मीडिया में अदानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर जाके अदानी समूह के खिलाफ डोजियर पहुंचाया था कि क्या क्या आप कर सकते हैं और अदानी समूह पर महुआ के आरोपों की झलक जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसमें भी दिखाई दी थी। यानी ये मामला केवल देश की राजनीति से सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो षड्यंत्र है उसको भी दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी और अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई सवाल यहाँ पूछे गए हैं लोकसभा में जो महुआ मोइत्रा की ओर से, और ये सवाल हीरा नंदानी समूह के हितों से भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था कई सारे, उसमें हीरा नंदानी ग्रुप को सफलता नहीं मिली थी। और सवाल पूछने के बदले में यह भी आरोप है कि हीरा नंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिया, 2019 का चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिए, ये भी एक गंभीर आरोप इस पर लगाया गया है। और दर्शन हीरा नंदानी ने महंगे आईफोन भी दिए, उन्होंने महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत और साज सज्जा भी कराई है और महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे, ये आरोप भी लगाया गया है। और महुआ ने दर्शन हीरा नंदानी को लोकसभा का अपना जो सांसद के तौर पर अकाउंट है, ऑनलाइन पासवर्ड उसका भी दिया ताकि वो अपनी ओर से सवाल पूछ सके। तो इस लिहाज से सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या फिर दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए, ये भी एक गंभीर आरोप इसमें लगाया गया है। 2019 से 2023 के बीच ये सवाल पूछे गए थे और 61 में से 50 सवाल हीरा नंदानी के कहने पर पूछे गए थे। पारादीप धामरा पोर्ट से तेल और गैस की सप्लाई पर भी सवाल पूछे गए थे, यूरिया सब्सिडी को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि रियल एस्टेट के कारोबार को प्रभावित करते हैं, लेकिन सवाल पूछे गए और साथ ही आयकर विभाग की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के भी सवाल पूछे गए। वकील अनंत देहाद्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी शिकायत की है और जो मामला आया है सामने उसको लेकर के बता देते हैं कि चिट्ठी में क्या क्या और भी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कारोबार पर जो कि हीरा नंदानी के कारोबार से जुड़े हुए सवाल हैं, पोर्ट स्टील और यूरिया से जुड़े सवाल पूछे गए हैं और अदानी समूह के खिलाफ भी कई सवाल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में पूछे हैं, ये इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है। दर्शन हीरा नंदानी जिनका नाम बार बार आ रहा है वो कौन है, रियल एस्टेट के कारोबार बड़े कारोबारी हैं निरंजन हीरा नंदानी, उनके बेटे हैं और ये इस ग्रुप के होने वाले COB हैं, तो बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में। और इनकी कहानी क्या है, ये रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, ऊर्जा शिक्षा और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में कारोबार करते हैं। अदानी समूह को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले इंफ्रा एनर्जी के लिए, इसमें इन्होंने भी बोली लगाई थी लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2014 में अदानी ग्रुप को मिले धामरी पोर्ट के लिए इन्होंने भी बोली लगाई थी। जनवरी 2023 में आयकर विभाग ने इनके यहाँ तलाशी ली थी। मार्च 2022 में जो विदेश में बेनामी निवेश इनके नाम से किए गए थे उसकी भी जाँच की गई थी, तब हीरा नंदानी ग्रुप ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने नियमों के मुताबिक ही निवेश किया है।
अक्टूबर 2021 में पैंडोरा पेपर्स आए थे, आपको याद होगा, उसमें भी कुछ आरोप लगाए गए थे। उसमें यह आरोप था कि 60 मिलियन के ट्रस्ट का फायदा हीरा नंदानी के परिवार को दिया गया और ट्रस्ट का पैसा बेटे दर्शन का है, ये हीरा नंदानी गुप्त ने बाद में अपनी सफाई में कहा था। नवंबर 2017 में पैराडाइज पेपर्स आए थे, उसमें भी इस समूह के ऊपर आरोप लगे थे। तब ये कहा गया था कि पीएफ फ्रॉड केस से पहले बनाई गई थी विदेशी फर्म और ये रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें सारी की सारी सामने आई है। और महुआ मोहोत्रा ने इस मुद्दे को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जाँच होनी बाकी है, उनकी जाँच हो तो मैं भी जाँच के लिए तैयार हूँ, ये बात महुआ मोहोत्रा की ओर से कही गई है। उधर हीरा नंदानी गुट की भी सफाई आई है, उन्होंने ये कहा है कि ये आरोप गलत हैं, हम कारोबार करते हैं, राजनीति नहीं करते, देश की भलाई के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।